दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट अरे। मैं रिजवान अहमद अंसारी, आज क्लास 12 के लिए आपको मैट्रिक्स चैप्टर जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लास्ट आप लेक्चर आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा आपको। और आज मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आगे बढ़ करके इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस या इक्वल मैट्रिक्स किसे कहेंगे। ठीक है बेटा, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स है क्या, इस पर प्रॉब्लम्स हम लोग बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद से आपको निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बताऊंगा मैं, फिर ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा इस सेक्शन आज की लेक्चर में। तो देखिए, सबसे पहली बात इक्वल मैट्रिक्स क्या है, ये ध्यान दीजिए कि जब भी अगर कोई मैट्रिक्स ए लिखा रहे, जिसको हम लोग मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, और एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है जिसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में बी आई जे करके लिखूं मैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर दो मैट्रिक्स ए और बी दोनों का दोनों ही अगर ऑर्डर में सेम हो, यानी कि पहला पॉइंट क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी, ये हमारा क्या हो, दोनों ही बराबर हो। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि उन दोनों मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब समझिएगा, यानी पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, जिसको आप बोलते हैं ना ए वन वन बी वन वन के इक्वल होना चाहिए, ए वन टू बी वन टू के इक्वल होना चाहिए, ए वन थ्री बी वन थ्री के इक्वल होना चाहिए, ए टू वन बी टू वन के इक्वल होना चाहिए, ए टू टू बी टू टू के इक्वल होने चाहिए, ए थ्री थ्री बी थ्री थ्री के इक्वल होने चाहिए। ये इस तरह के इक्वालिटी को हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का इक्वल होना कहेंगे। आगे बात समझ में, तो ध्यान में रखिएगा दो मैट्रिक्स इक्वल तभी कहे जाएंगे जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। यानी आपको एग्जाम्पल से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट है एक्स वन थ्री टू, और एक मैट्रिक्स बी है जिसका एलिमेंट है टू वाई जेड टू, ऐसे लिख दूं, तो सबसे पहली बात ये देखना है, पहला काम ये करना है कि ये ए और बी दोनों इक्वल है। अगर कह दिया है तो सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि इनके ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो इनका ऑर्डर देखिए, कितने रो हैं, दो रो हैं और दो कॉलम है, तो इसमें हो जाएगा टू बाई टू ऑर्डर का मैट्रिक्स। यहाँ पे भी कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, टू बाई टू ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो हमने क्या देखा, ये दो ऑर्डर का, ये दो ऑर्डर का, मतलब ये हुआ कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। और जब भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे ना, बोल दिया यहां मैं कह रहा हूं कि ए बी के इक्वल है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी ए वन वन ए वन बी वन वन के इक्वल होना चाहिए, यानी एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, टू। यहां वाला ए वन टू बी वन टू के इक्वल होनी चाहिए, यानी वाई की वैल्यू वन। यहां वाला इसके इक्वल होना चाहिए, यानी थ्री इक्वल टू जेड और टू इक्वल टू टू। ये हमारा कहलाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का इक्वल होना। तो जब कभी भी बोलेगा ना कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो समझ जाओ कि दोनों का ऑर्डर बराबर होगा। अरे बात समझ में, यानी कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन बराबर होगा। कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब यह है कि उनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स में जितना होगा ना, सेकंड में भी उतना ही होगा। क्लियर हो गई बात। और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट पहले मैट्रिक्स में होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का दूसरे मैट्रिक्स वाला भी एलिमेंट हमारा इक्वल होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस पे बेस्ड जो है अब हम लोग प्रॉब्लम करते हैं और उस पे हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। इस पे बेस्ड सवाल ये पूछता भी है, बोर्ड में पूछता है और आईआईटी वगैरह में भी पूछता है, तो इस बात का जरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूं, तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम है, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड प्रॉब्लम। कह रहा है कि इफ ये दो ऑर्डर का मैट्रिक्स दिख रहा है, एक्स प्लस थ्री टू वाई प्लस एक्स जेड माइनस वन फोर डब्ल्यू माइनस एट इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन जीरो थ्री टू डब्ल्यू, ये इसके एलिमेंट्स है दोनों मैट्रिक्स से। कह रहा है कि ये इक्वल है, तो इक्वल है तो ये समझिए कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। तो यहां जरा देखिए इसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं, जिसमें कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है। ये हॉरिजॉन्टल जो है लिखा गया चीज रहता है ना, उसको रो कहते हैं, और जो वर्टिकल रहता है सेक्शन, उसको कॉलम कहते हैं। तो दो रो दो कॉलम, यहां पे भी दो रो और दो कॉलम, इसका मतलब ये पता चला कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा आपस में। तो ये हो जाएगा हमारा एक, ये हो जाएगा x प्लस थ्री किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स माइनस वन के। फिर यहां देखेंगे
टू वाई प्लस एक्स किसके इक्वल होगा बेटा, जीरो के। फिर यहां मैंने क्या देखा, जेड माइनस वन किसके इक्वल होगा, थ्री के। और फिर यहां से क्या पता चल रहा है, फोर डब्ल्यू माइनस एट इक्वल टू टू डब्ल्यू हो रहा है। क्लियर है बेटा। अब हमारा सवाल ये कर रहा है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो हम क्या करते हैं ना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं और यहां भर देंगे, निकल जाएगा। ये मॉड है, डिटरमिनेंट नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा एक एक्स, तो कितना बन जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। और ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री, तो माइनस फोर। तो यहां से क्या मिला बेटा, एक्स इक्वल टू माइनस टू, एक्स की तो वैल्यू फटाफट आ गई। अब यहां एक्स की वैल्यू माइनस टू रखेंगे यहां पे ऐसे, तो यहां से देखेंगे ना सॉल्व करके, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। फिर यहां से देखेंगे तो जेड की वैल्यू क्या गई, 4 आ गई, क्योंकि माइनस वन आरएचएस में शिफ्ट कर गया। यहां देखिए 2W LHS में जब शिफ्ट होगा तो 2W बचेगा, क्यों, क्योंकि 4W माइनस 2W 2W हो जाएगा, और यहां 8 आरएचएस में चला गया, तो W की वैल्यू आ गई बेटा 4। क्लियर है। अब ये वैल्यू उठा करके यहां भर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। यानी देखिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस 2 और y की वैल्यू प्लस 1 प्लस z की वैल्यू 4 और w की वैल्यू 4, तो क्या आ गया, माइनस 2 और प्लस 1, माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 का मॉडुलस वैल्यू प्लस 1 होता है, और यहां आएगा अंदर प्लस 8, 8 की वैल्यू 8 ही रहेगी प्लस 8 की, तो आ गया मेरा आंसर 9। तो ये है आपका सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड, ये सेकंड प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ। कह रहा है इफ एक मैट्रिक्स दिया जो दो ऑर्डर का, ये मैट्रिक्स है, ये भी टू ऑर्डर का है, और कह रहा है यहाँ इक्वालिटी दे दिया, मतलब यहाँ श्योर हो गया कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। और आप जानते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल तभी कहलाएंगे, मैं इतना बार इसको बोल दिया कि अगर आप सुन लिए होंगे तो याद हो चुका होगा कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी कहलाएंगे चाहे वो कितने भी ऑर्डर के हों, लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्लियर है। एक का ऑर्डर चाहे 50 ऑर्डर का हो तो दूसरे का भी ऑर्डर 50 ऑर्डर का होगा। क्लियर है बेटा। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये पता चला कि ये जब दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो ये 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू अल्फा प्लस 3 होगा, सही या गलत, यानी ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। क्लियर है। फिर यहां वाला एलिमेंट यानी कि 3 बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस 2 होगा। क्लियर है बेटा। यानी ये वाली एलिमेंट इसके इक्वल होगी। क्लियर है। अब यहां कर रहा है 0 0 के इक्वल होगा, है ना, ऑफ कोर्स होता है। अब यहां क्या है, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू माइनस 6 होगा, ये वाली एलिमेंट इसके इक्वल होगी। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं ना, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है। और अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होगी उसके आगे हम प्रॉब्लम चलेंगे तो वहां काम करेगा। क्या रखा है प्रॉब्लम, क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। कह रहे हैं कि वो इक्वेशन आपको निकालनी है जिसका रूट क्या हो, अल्फा और बीटा हो। तो जाहिर सी बात है किसी भी इक्वेशन का अगर एक रूट है इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब उस इक्वेशन की डिग्री 1 हुई होगी। किसी इक्वेशन के दो रूट है इसका मतलब कि वो इक्वेशन 2 डिग्री का होगा, और 2 डिग्री का इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक की बात की जा रही है। अगर हमारे पास 3 रूट होता तो 3 डिग्री की इक्वेशन होती, क्यों, क्योंकि जितने डिग्री की इक्वेशन होती है ना उसके रूट्स भी उतने ही होते हैं, चाहे वो रूट रियल नंबर रहे या इमेजिनरी नंबर रहे, लेकिन उतने ही होंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, दो रूट है तो आप ऐसा सवाल 10th क्लास में बहुत बच्चा वाला सवाल बनाए होंगे कि अगर बीटा दो रूट है तो उसका इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो हो जाता है। क्लियर है, यह इक्वेशन बनेगा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू वहां फाइंड आउट करके रख देंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए यहां से देखते हैं, ये क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा इधर है इस तरफ आएगा तो 2 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा हो जाएगा, और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। क्लियर है। अल्फा की तो वैल्यू मुझे मिल गई। अब यहां चलते हैं जरा, बीटा स्क्वायर और ये 3 बीटा को उधर ट्रांसफर कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो माइनस 3 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पे हम देखेंगे तो बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बीटा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहां फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 दूना 6, बीटा माइनस 2 और बीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां आपको क्या मिल गया, बीटा की वैल्यू 1.2, और यहां से आपको क्या मिली, बीटा की वैल्यू 2.3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बीटा की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, 1 लेंगे या 2 लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे। तो एक चीज आप तो आपने भी नोटिस कर लिया कि बीटा की वैल्यू यहां पे कुछ और है और यहां पे कुछ और है, लेकिन इन कुछ और में भी कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, यानी इसमें 2 और इसमें 2,
दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो जब भी आप दो मैट्रिक्स को इक्वल करेंगे ना और अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें से सेम अननोन के लिए अगर अलग अलग वैल्यू जा रही है अलग अलग एलिमेंट को इक्वेट करने के बाद, तो अलग अलग वैल्यू हम नहीं लेंगे सेम एलिमेंट का। जैसे बीटा का देखिए, बीटा का अलग अलग एलिमेंट हमने इक्वल किया तो अलग अलग वैल्यू जाना शुरू हो गई। तो आपको ये नहीं लेना है, जो दोनों में कॉमन वैल्यू होगी ना वही फाइनल हमारा उस वेरिएबल की वैल्यू होगी। यानी कि इसमें और इसमें कॉमन वैल्यू क्या है, बीटा इक्वल टू टू, इसलिए हमारा फाइनल वैल्यू जो होगा बीटा की वैल्यू टू होगा। क्लियर है? आप जरा ध्यान से समझो, ये चीज ध्यान में रखो, अल्फा की वैल्यू टू यहां भर देंगे और बीटा की वैल्यू टू यहां भर देंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये हमारा आंसर होगा। अब ये एक रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं, सर बीटा की वैल्यू आप वन नहीं लिए या थ्री नहीं लिए, क्यों नहीं लिए? बीटा की वैल्यू अगर मैं वन लेता हूं, यहां रखूंगा तब तो सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन जब मैं यहां रखूंगा और यहां रखूंगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। देख लो, थ्री हो जाएगा वन रखने के बाद, यहां भी थ्री हो जाएगा, ये तो सही हो जाएगा, लेकिन यहां रखेंगे तो वन माइनस फाइव माइनस फोर हो जाएगा, जबकि चाहिए हमें क्या, माइनस सिक्स। क्लियर है? सिमिलरली अगर थ्री को अगर मैं यहां रखूंगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन यहां रखने पे थ्री सेटिस्फाई नहीं करेगा। और जब भी अगर बीटा की वैल्यू हम यहां वन रखे थे सेटिस्फाई कर गया, ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो मैट्रिक्स इक्वल होंगे कहां, यानी कि मैट्रिक्स के इक्वल होने की कंडीशन जो है फेल कर जाएगी। इसलिए हम लोग कॉमन वैल्यू लेते हैं, जो बीटा की कॉमन वैल्यू हो, जो एट अ टाइम यानी इंटरसेक्शनली है ना, इसको और इसको, यानी a12 को और यहां a22 को सेटिस्फाई कर दे, तो इसलिए हम लोग कॉमन वैल्यू लेते हैं। कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। एक और मैं प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम इस पे करा रहा हूं, ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं आगे ना नेक्स्ट टॉपिक। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स यानी किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव हमें देखना है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है बेटा, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है ना, जो ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का है, तो अगर हमें माइनस ए लेना है ना, यानी इस ए का नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है, तो हम क्या करेंगे ना, जो एलिमेंट ए का होगा ना, उन सब में क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर ऑल आई कॉमा जे के लिए सही है। ये सिंबल जो होता है ना, ऐसे वी की तरह बना करके काट देंगे बीच में से, यानी उल्टा ए कह लो, है ना, तो ये हमारा फॉर ऑल का सिंबल बनाता है, यानी आई और जे के सभी वैल्यूज के लिए। जैसे अगर मेरे पास बेटा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 6 9 5 0 -1, यहाँ माइनस सिक्स या माइनस थ्री कर लो, तो अगर हमें माइनस ए लेनी है ना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वन, ये टू और ये थ्री हो जाएगा, माइनस फोर सिक्स माइनस नाइन माइनस फाइव जीरो वन, यानी जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो निगेटिव हो जाएगी और जो निगेटिव वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यही चीज़ है किसी मैट्रिक्स का निगेटिव लिखने का तरीका। क्लियर है? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप मैट्रिक्स को जोड़ना सीखेंगे ना, तो फिर साथ में मैट्रिक्स को घटाना भी सीखना है। तो जब मैट्रिक्स का अगर हमारे पास सबट्रैक्शन आएगा ना, तो यहां ए प्लस यहां माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या है, ए प्लस, ये क्या है, निगेटिव मैट्रिक्स है या कि नहीं है, निगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी। यानी अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स बी का निगेटिव ले लेंगे तो वही हमारा क्या, निगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी भी एक्चुअली ए माइनस बी नहीं, ए प्लस ही होता है, बस यहां पे इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ए प्लस निगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी। क्लियर है? तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए, ये मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है एंड लास्ट प्रॉब्लम है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड। इसके बाद मैं आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट आपके मैक्सिमम मैं क्लियर कर सकूं, इसलिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स करा रहा हूं मैं। कर एक ये मैट्रिक्स आपको दिया गया, कर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम देख रहे हैं कि जब भी दो मैट्रिक्स अगर बराबर दे देगा तो इसका मतलब इसके ऑर्डर सेम होंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये देख लीजिए, ये दो ऑर्डर का है, ये दो ऑर्डर का है, यानी पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया, सही है। दूसरा कंडीशन हमें सेटिस्फाई नहीं कराना है, यहां देखना है और उसका फायदा उठाना है, मौके का फायदा उठाना है। यानी जब इक्वल लग गया दोनों मैट्रिक्स में, तो हम समझेंगे कि दो मैट्रिक्स बराबर है, मतलब इनका ऑर्डर तो बराबर है ही, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। एलिमेंट नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ध्यान रखना, संगत
मान जो होगा संगत, मतलब इसके संगत में ये है, इसके संगत में ये नहीं है, ठीक है। तो ये यहां से क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। यहां से देखेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये आपका बन जाएगा एक्स माइनस वन और ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, या सॉरी एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू वन कॉमा थ्री। यहां से तो पहले एलिमेंट को हमने जब इक्वेट किया तो ये हमें मिला, क्लियर है बेटा। अब हम दूसरा देखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन होगा, तो यहां से अगर देखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस वन, बोले तो दैट इज x इक्वल टू माइनस वन कॉमा वन हो जाएगा, क्लियर है। तीसरा देखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, माइनस एक्स प्लस टू, यानी इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपने क्या देखा, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो आपने क्या देखा, एक्स इक्वल टू वन कॉमा माइनस टू, ये भी मिला आपको। देख लीजिए ना यहां फैक्टराइज करके, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस टू एक्स और माइनस एक्स, क्लियर है ना, ये चीजें यहां से भी आपको मिल गई। अब लास्ट वन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू, एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब है। यहां से हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू वन, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, वन। रियल वैल्यूज तो यही होंगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, एक्चुअली बच्चा ये सोच रहा था कि सर ये तीन डिग्री का इक्वेशन है, सही से समझने वाले ध्यान देना, ये थर्ड डिग्री का इक्वेशन है, थर्ड डिग्री का इक्वेशन है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, तीन होंगे, और यहां आएगा कितना, लिख कितना रहे हो, एक। इसका मतलब दो रूट गए कहां, तो दो रूट इमेजिनरी रूट है इसके, आप पढ़े होंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, तो वहां से आपको मिलेगा ये चीज, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी दौरान। तो अब देखिए, x की वैल्यू 1 3 आ रही है, x की वैल्यू माइनस वन वन आ रही है, x की वैल्यू 1 माइनस टू आ रही है, और x की वैल्यू 1 आ रही है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा x की वैल्यू 1। क्यों, कॉमन वैल्यू ही लेंगे, इंटरसेक्शन वैल्यू जो होगा वही लेंगे। तो हमने क्या देखा, अगर मैं थ्री लेता हूं तो ये वाला तो सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन और सारे ये एलिमेंट बराबर हो जाए इनको रखने के बाद, थ्री रखने के बाद, जरूरी नहीं है, उसी तरह बाकी सब में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरेटिकल पर्सन, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स के तरफ, क्लियर है। ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना था, ठीक है, आपके टाइम सेविंग के लिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया है ना, ताकि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स भी, नोट्स की तरह भी दिखाई देगा, ठीक है। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स है ना, किसी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, जस्ट पिछले वाले लेक्चर में, कि किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, जिसमें ट्रेस पूछेगा ना तो उसमें रो और कॉलम दोनों बराबर होगा, तो ये किसी भी का नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए जिस मैट्रिक्स में, उसका नाम स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ट्रेस की बात करेंगे ना तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की बात होती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम जो होगा, दैट इज नोन एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर है। वही लिख रहा है, द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी कि कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए के सारे डायगोनल एलिमेंट का अगर मैं सम करूंगा और सम करने के बाद जो हमारी वैल्यू मिलेगी वही हमारी क्या कहलाएगी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। और उसको कैसे दिखाते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल आर लिख करके ब्रैकेट में ए, या कोई कोई आदमी स्मॉल टी स्मॉल आर लिखता है, बात एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो ट्रेस ऑफ ए को ऐसे दिखाएंगे, फाइनली क्या कह सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू सिग्मा नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं, ए आई आई है, आई इक्वल टू वन से एन तक, आई आई लिखने का मतलब हो गया है ना, आई के जगह वन रखेंगे तो आई आई ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, ए फोर फोर, ऐसे ही चलते जाएगा, प्लस प्लस ए एन एन इक्वल टू जीरो, ये सबका प्लस कर लेंगे। यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट देखेंगे तो यही तो होता है ना, ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, यही हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाएगा। यहां तो आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब यहां जरा इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल इस पर देख लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। जब अगर मैट्रिक्स ए लिखा रहे आपको, यहां लिखा है जीरो वन माइनस थ्री टू, तो अगर इसकी ट्रेस की बात की जाएगी तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये होगा, ये वाला नहीं होगा, तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जीरो प्लस टू इक्वल टू टू हो जाएगा। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स आर है जो लिखा है वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ठीक है, तो अगर इसका ट्रेस लेना रहेगा मैट्रिक्स आर का, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होगा यही क्या हो जाएगा, वन प्लस वन प्लस वन, इनका समेशन जो होगा वही हमारा इसका ट्रेस कहलाएगा। अच्छा, ये खूबसूरत चीज देखो, यही क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
तो इसका मतलब कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? थ्री ऑर्डर का। तो देख लेना आई थ्री है ना, इसका मतलब जितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ना, तीन ऑर्डर का है, जितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसका ट्रेस उतना ही रहेगा। तो देखिए जैसे यहां पे मैं लिखा भी हूं कि ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज इक्वल टू एन, यानी उसमें देखिए ना प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में टोटल एन एलिमेंट होंगे, बस एन होगा। आगे बात समझ में। अब जरा इसके प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं। कह रहे हैं मान ले रहे हैं ए और बी दो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, दो, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना, एम बाई एन ऑर्डर का है, ठीक है, एलिमेंट भले अलग अलग होंगे, एंड के बी या स्केलर, के कोई स्केलर नंबर है ना, तो ये चीज जरा ध्यान में रखिएगा कि ट्रेस ऑफ के इंटू ए दे दे। जैसे अगर मुझे पूछ दे कि ट्रेस ऑफ थ्री ए बताइए क्या होगा, इसका मतलब थ्री ए का मतलब पहले इस मैट्रिक्स ए में तीन से मल्टीप्लाई करें, तो इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल उतना टफ नहीं है कि अभी ना बता सकूं। सारे एलिमेंट में तीन से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया थ्री ए, तब उसका ट्रेस निकालना है, इसका मतलब ये हुआ। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा ट्रेस ऑफ के ए का है तो पहले के बाहर कर लो और सिर्फ ए का ट्रेस बता दो, यानी ट्रेस ऑफ थ्री ए का रहा ना तो थ्री टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए, यानी ट्रेस ऑफ ए कितना मिला, टू मिला हुआ है, तो कितना हो जाएगा थ्री इंटू टू इक्वल टू सिक्स, यही आएगा। यहां अगर मैं बोल दूं अगर हमारे पास ट्रेस ऑफ माइनस टेन आर बताना है तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन इंटू थ्री माइनस थर्टी आएगा, यानी इस मैट्रिक्स को जब पहले माइनस दस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका ट्रेस निकालेंगे ना तो देखेंगे माइनस थर्टी ही आ रहा है। माइनस टेन से मल्टीप्लाई करने का मतलब, यहां माइनस टेन आर का मतलब क्या हो गया, इस सब में माइनस टेन से मल्टीप्लाई कर देना, ये सब तो जीरो जीरो है, वो तो जीरो हो जाएगा। अब जरा इसे जोड़ करके देखिए, देखिए माइनस थर्टी आ गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर दो मैट्रिक्स सम में रहे, यानी दो मैट्रिक्स सम में है, इसका मतलब सम भी पढ़ाऊंगा आपको, यानी जब दो मैट्रिक्स मिले दोनों का ऑर्डर सेम मिले तो उन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना ही समेशन कहलाता है। दो मैट्रिक्स मिले दोनों का ऑर्डर सेम मिले तो दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब घटाएंगे तो उनका डिफरेंस कहलाता है। आगे बात समझ में। तो कह रहे अगर दो मैट्रिक्स सम में दिया हुआ रहे, जोड़ में दिया रहे या घटाओ में दिया रहे और उनका ट्रेस निकालना रहे तो क्या करेंगे, उन दोनों का अलग अलग ट्रेस निकाल के जोड़ देंगे या घटा देंगे, मामला वही आएगा, यानी ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी हो जाएगा। यानी पहले ए और बी को जोड़िए उसके बाद उसका ट्रेस निकालिए, या पहले ए का ट्रेस निकाल लीजिए फिर बी का ट्रेस निकाल लीजिए और तब जोड़िए, बात बराबर ही मिलेगी। वैसे ही आपको सब्ट्रैक्शन में होगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ये रूल काम नहीं करता है, मल्टीप्लीकेशन में ये रूल फेल कर जाएगा। यानी यहाँ पे ये देखिए ये वाला पोर्शन जरा ध्यान में रखिएगा, सेवन नंबर पॉइंट, जैसे जोड़ने में और घटाने में ट्रेस अलग अलग करके निकालें या पहले जोड़ करके तब ट्रेस निकालें, बात बराबर ही होगी, लेकिन मल्टीप्लाई करने में ऐसा रूल काम नहीं करेगा। क्लियर है बेटा? तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये वाला चीज जो है इन दोनों का जो है ना कंबाइंड फॉर्म है, देखो तो, क्योंकि ट्रेस ऑफ लैम्डा प्लस ए है, क्या है, ट्रेस ऑफ लैम्डा प्लस ए प्लस म्यू इनटू बी, तो ये प्लस वाला कहानी है तो क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ लैम्डा ए प्लस ट्रेस ऑफ म्यू बी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फिर लैम्डा बाहर आ जाएगा तो क्या हो गया, ट्रेस ऑफ ए प्लस म्यू इनटू ट्रेस ऑफ बी, बस बात खत्म, यही वाला ये प्रॉपर्टी ये बता रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या कर रहा है, ट्रेस ऑफ ए बी बराबर ट्रेस ऑफ बी ए, यानी ए बी का ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी दो मैट्रिक्स से दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो ट्रेस आएगा और बी और ए का जो ट्रेस आएगा वो दोनों बराबर ही होगा। हालांकि ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि ए बी और बी ए बराबर हो हमेशा जरूरी नहीं है, मतलब जनरली जो है 100 में 90-95 बात तो ये बराबर ही नहीं होता है, शायद कभी गलती से ऐसा दो मैट्रिक्स मिल जाए जिनका मल्टीप्लीकेशन करें तो ए का बी से या बी का ए से मल्टीप्लाई करने पे बराबर हो जाए, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को हमेशा फॉलो करें जरूरी नहीं है। आगे बात समझ में। एंड नेक्स्ट लेवल ये जो है ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए डैश, ये ए डैश जो है ना ए का ट्रांसपोज बताता है, ट्रांसपोज करने का मतलब होता है पहले रो को पहले कॉलम में, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में, अच्छा इसका मतलब रो को कॉलम में या तो कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देना ही उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। तो चाहे आप किसी एक मैट्रिक्स का आप ट्रेस निकालें और उसके ट्रांसपोज का ट्रेस निकालें, वो दोनों आपस में ही बराबर होंगे। क्लियर है? एंड द लास्ट वन इज ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी ए सी इनवर्स, यानी सी क्या है, यहां ऐसा लिखा हूं ट्रेस ऑफ सी ए सी इनवर्स,
जहां C जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर क्यों? क्योंकि C इनवर्स यहां लिखा हुआ है इसलिए। तो यहां इसका मतलब कोई मैट्रिक्स ले ले और यहां उसी का इनवर्स ले ले और बीच में कोई अनदर मैट्रिक्स रहे, तो इसका जब हम ट्रेस निकालेंगे ना तो बराबर ट्रेस ऑफ ये बीच वाला मैट्रिक्स जो रहेगा उसी के ट्रेस के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा प्रॉपर्टीज था ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का। अब एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम बोर्ड लेवल के बच्चे भी और IIT एडवांस लेवल के भी बच्चे देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये सब प्रॉब्लम जो है ना कलेक्शन, ये अच्छी किताबों से कलेक्शन किया हुआ, ये अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये प्रॉब्लम्स है ये सब, ठीक है? टॉपिक बहुत छोटा है, आदमी सोचता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, बस छोटी मोटी टॉपिक है बिल्कुल। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे एडवांस हो या मेन्स हो, इस पे सवाल जो है मेन या एडवांस में कभी कभार ही पूछे, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका लगता है और पूछ देता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना ज्यादा जरूरी है। जैसे एक प्रॉब्लम देखते हैं, कह रहा है अल्फा बीटा गामा जो है रियल नंबर है, ठीक है ना? कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है जो इस तरीका से सजाया गया है, तीन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स बी है जो थ्री ऑर्डर के इस तरह से सजाया गया है। कंडीशन ये है यहाँ पे कि ए का ट्रेस और बी का ट्रेस दोनों इक्वल है, तब कह रहा है फाइंड करना है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहला काम ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी को हम लोग बराबर करते हैं, यही दिया है ना क्वेश्चन में कंडीशन। देखो क्वेश्चन में जब कभी कुछ पूछता है ना तो कुछ ना कुछ लेड़ी जो है ना छोड़ दिया रहता है, समझे? लेड़ी निकला हुआ रहता है उसका, कुछ ना कुछ छोटा सा भी लेटरिन करके वो गया रहता है, सुराख अपना छोड़ा हुआ रहता है, निशान अपना छोड़ा रहता है, तभी जो है नॉन की वैल्यू फाइंड आउट होती है। और अगर छोड़ा नहीं रहेगा ना तो समझ लो कि कुछ ना कुछ छेड़ करके गया होगा। अब उस छेड़ने पे आप समझो तो छेड़ेगा नहीं तो छोड़ेगा, ठीक है? ध्यान देना, अगर मैं ट्रेस ऑफ ए निकालूं इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रिंसिपल डायगोनल का सम, इट मींस बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। और यहां पे अगर मैं देखूं तो ये हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा माइनस 3। क्लियर है? अब हमारे पास देखो और कोई इस क्वेश्चन में उपाय या फिर कोई कंडीशन या फिर कोई इंफॉर्मेशन और कुछ नहीं दिया हुआ है। अब हमारे पास अनोन कितना है? 3 अल्फा बीटा और गामा, और इक्वेशन कितने? 1। कितने आदमी थे सरदार? 2 और तुम 3, फिर भी खाली हाथ लौट आए सुअर के बच्चे। ऐसा एक डायलॉग है बहुत फेमस फिल्म का। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे पास वेरिएबल्स ज़्यादा हो इक्वेशन कम होना तो इंटरेस्टिंग लगने लगता है, लेकिन यही दिमाग लगा दिया तो IIT, और दिमाग नहीं लगाया तो बस घोचू या फिर बोर्ड। हर ही बात समझ, हालांकि बोर्ड में भी सवाल कभी कभी बहुत अच्छे लेवल के उठाते हैं, ये ध्यान में रखना। तो देखो कितने वेरिएबल हैं? 3 और इक्वेशन 1। सरदार खुश हुआ है, गब्बर खुश हुआ। अरे भाई सिंपल सा चीज़ है, क्या मैं इसको चाहूँ तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा, और इसको लिख सकता हूँ -1 -1 -1 लिख सकता हूँ ऑफकोर्स। तो ये प्लस 2 अल्फा इधर आ गया तो -2 अल्फा हो गया, और ये प्लस 1 को लेते आएंगे तो -1 को लेते आएंगे तो क्या बन जाएगा? +1। ये इन तीनों को एक घर में बंद कर दिए। फिर सिमिलरली प्लस करके बीटा स्क्वायर -2 बीटा और +1, और उसी तरीके से गामा स्क्वायर -2 गामा और +1 इक्वल टू 0। बोलो देखो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हो गया, और यहाँ देखो -2 अल्फा -2 बीटा -2 गामा हो गया, इनको इधर ट्रांसफर कर लिए, और ये -1 -1 -1 जब LHS में ट्रांसफर होकर के आएंगे तो +1 +1 +1 बन जाएंगे, सबके साथ चिपका डाला। अब जरा ध्यान में रखो, ये जब मैं देखूंगा तो किसकी वैल्यू है? अल्फा -1 की होल स्क्वायर की, ये बीटा -1 की होल स्क्वायर की, गामा -1 की होल स्क्वायर की। और ये मैं बेसिक क्लास में पढ़ा चुका हूँ, या आगे कैलकुलस में जब मैं फंक्शन वाली चैप्टर शुरू करूँगा तो वहां पे भी बेसिक मैथमेटिक्स में एक बार फिर से बताऊंगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है ये जो तीन चीज आप देख रहे हैं ये होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो अल्फा के जगह चाहे दुनिया का कोई भी नंबर हो उसमें से -1 करेंगे तो यहां पे या तो वो 0 होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, यही होगा ना? मतलब क्यों? क्योंकि अल्फा रियल नंबर लेना है, तो यहां क्या हो जाएगा? रियल नंबर ही कोई ना कोई आएगा, या तो पॉजिटिव में आएगा, या तो नेगेटिव में आएगा, या तो 0 में आएगा। तो जब उसका स्क्वायर करेंगे ना तो पॉजिटिव नंबर आएगा, तो पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। इसका मतलब हर एक हालात में चाहे अंदर नंबर किसी भी टाइप का रहे, हर एक हालात में या तो पॉजिटिव मिलेगा या तो 0 मिलेगा, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर मिलेगा।
उसी तरीका से ये क्या छोड़ेगा, नन नेगेटिव, और ये क्या छोड़ेगा, नन नेगेटिव। अब आप देखिए, जब भी अगर आपको अगर ऐसे टर्म दिया रहे नन नेगेटिव टर्म और वो इक्वल टू जीरो रहे, तो ये तभी पॉसिबल है जब इच टर्म इक्वल टू जीरो हो, यानी हर एक टर्म जो है जीरो हो जाए तब जाकर के होगा, बस इसके अलावा कोई और हालात में जीरो नहीं हो सकता। देखिए, इसकी वैल्यू जीरो रखेंगे, इसकी वैल्यू जीरो रखेंगे, इसकी वैल्यू जीरो रखेंगे, तभी जाके ये जीरो होगा। अदरवाइज यहाँ कुछ भी आप रखिए, मान लीजिए यहाँ अगर हम माइनस टू आ रहा है तो माइनस टू का होल स्क्वायर कीजिएगा तब भी फोर आ जाएगा, या टू आएगा उसका होल स्क्वायर कीजिएगा तब भी फोर आ जाएगा। तो इन दोनों को जीरो हो करके भी कोई फायदा नहीं है। तो जब भी अगर आपको मिले है ना कुछ नन निगेटिव टर्म का सम इक्वल टू जीरो मिले, तो इच नन निगेटिव टर्म इक्वल टू जीरो कर दीजिए, वही उसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। जैसे कहीं कहीं पे दिया रहता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और इसे सॉल्व करना है तो बड़ा दिक्कत होने लगती है। कुछ दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, यानी ये भी जो वैल्यू देगा वो या तो जीरो देगा या तो जीरो से ज्यादा देगा, निगेटिव तो देगा नहीं। निगेटिव देते रहता तब ना के साथ बैलेंस कुछ हो जाता, भाई यहां माइनस पांच आ जाता, यहां पांच आ जाता तो वैल्यू जीरो हो जाती, लेकिन नेगेटिव तो देगा नहीं। अरे बात समझ में, तो इच टर्म जीरो होना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन रूट के साथ जीरो और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर भी जीरो, ये ऐसे करके बनाना होगा, और तब जो वैल्यू कॉमन होगी उसी कॉमन वैल्यू को लेना होता है। खैर, हम लोग को इधर नहीं जाना है, ये डिस्कस नहीं करना है, प्रॉब्लम पे आते हैं। तो आपको क्या मिल गया, अल्फा वन बीटा वन गामा वन, यहाँ अल्फा इनवर्स यानी वन अपॉन अल्फा, वन बाई वन वन हो जाएगा, यानी इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। आंसर क्लियर है बेटा, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। अब देखिए, ये मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है इफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए है इज 10 है, कह रहा है इस मैट्रिक्स का ट्रेस 10 है, तो कह रहा है कि फाइंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स डायग लिखा है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है ये, 8 टेन एक्स बाई टू कोमा 5 साइन स्क्वायर वाई कोमा माइनस 6 कॉस जेड। मैं आपको बताया था डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या है, डायग इतना जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये एलिमेंट डायगोनल में होंगे, यानी 8 टेन एक्स बाई टू, यहाँ पे आपका 5 साइन स्क्वायर वाई और यहाँ पे माइनस 6 कॉस जेड, इसका मतलब यही बताया था, बोला था यहाँ 0 0 0 0 0 0 यही है डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है, यानी इसका ट्रेस आपको बताना है, अगर इसका ट्रेस 10 दिया हुआ है तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, ए का ट्रेस निकालते हैं। तो ए का ट्रेस कितना हो जाएगा बेटा, 2 साइन एक्स प्लस 5 कॉस वाई प्लस 3 साइन जेड, ये इक्वल टू कितना है, 10 दिया हुआ है आपको ये प्रॉब्लम में। क्लियर है बेटा, अब इसका मतलब कि यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो हमारा निकल जाएगा वैल्यू। यहां जरा ध्यान दो, यहां पे भी वही वाला हिसाब किताब लगाओ, ये जरा देखो, इसकी वैल्यू 2 साइन एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो कितनी होगी, 2 होगी। क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू जो है माइनस वन से वन के बीच में होती है, यानी साइन जो होगा मैक्सिमम भी देगा ना तो वन देगा, वन से ज्यादा नहीं देगा, तो टू साइन एक्स कितना हो जाएगा, ये खूब देगा तो वन देगा, तो टू साइन एक्स यानी टू वन जो टू हो जाएगा। उसी तरह कॉस की वैल्यू मैक्सिमम वन होती है तो कितना हो जाएगा, फाइव, और ये फिर कितना देगा, तीन, तो हम अगर इसको जोड़ देंगे तो टेन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो हाँ आ जाएगा। क्लियर है ना, इसका मतलब कि ये जो दिया गया कंडीशन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये तभी सेटिस्फाई होगा जब हमारी साइन एक्स कितना हो जाए, वन हो जाए, कॉस वाई कितना हो जाए, वन हो जाए, और साइन जेड भी कितना, साइन जेड भी वन हो जाए, तभी ना होगा, क्योंकि साइन एक्स वन होगा तो ये टू बन जाएगा, कॉस वाई वन होगा तो फाइव बन जाएगा, और साइन जेड वन होगा तो थ्री बन जाएगा, और हम देखेंगे ऐड करके तो टेन आ गया। आगे बात समझ में, तो यही हमारा कंडीशन एक फुलफिल हो रहा है कि अगर ये ऐसा होगा तब जा करके दिया गया कंडीशन फुलफिल होगा। अब देखिए, साइन एक्स वन कब होता है, ये तो बहुत सारे वैल्यूज पे होता है, लेकिन एक्स की सिर्फ वही वैल्यू लेनी है, वाई की सिर्फ वही वैल्यू लेनी है, और जेड की सिर्फ वही वैल्यू लेनी है जो क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई के बीच में आए, 0 से 180 डिग्री के बीच में। हालांकि साइन की वैल्यू 1 जो है ना बहुत सारे अनंतों पॉइंट पे होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 0 से पाई के बीच में जो वैल्यू आएगी उसी पे लेनी है। तो साइन की वैल्यू 1 जो होती है x इक्वल टू पाई बाई टू 90 डिग्री पे होती है, कॉस की वैल्यू जो 1 होती है वो पाई बाई टू पे होती है, ठीक है ना, और साइन की वैल्यू 1 जो होगी, यहाँ कितना हो गया, कॉस 1 हो गया ना, कॉस सॉरी मैं गलत बोल गया, 0 ये यहाँ होगा पाई बाई टू,
मैं इसे साइन समझ लेता, कॉस वाई की वैल्यू जो होगी वन, वो क्या होगी, वाई इक्वल टू जीरो पे होगी, और यहाँ पे जेड इक्वल टू पाई बाई टू पे हमारा साइन का वैल्यू वन होगा। इसका मतलब आपको क्या मिला, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू मिल गई, वाई की वैल्यू जीरो मिल गई, और जेड की वैल्यू पाई बाई टू मिल गई। बस यहाँ भर देंगे, हो जाएगा। आप देख लीजिए इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, जरा मैं मिटा दूँ इसे, ये रहा एट टेन, एक्स का आधा है यानी पाई बाई टू का आधा करेंगे तो पाई बाई फोर मिल जाएगा, फिर प्लस फाइव साइन स्क्वायर वाई है, साइन स्क्वायर वाई यानी साइन स्क्वायर जीरो हो जाएगा जी, माइनस सिक्स कॉस जेड है, जेड की वैल्यू पाई बाई टू है, तो यहाँ मैंने पाई बाई टू रख दिया। यहाँ देखिए एट हो गया और टेन पाई बाई फोर यानी टेन पैंतालीस वन होता है, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस फाइव इंटू जीरो हो जाएगा, माइनस कॉस नाइनटी जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी एट हो जाएगी। आगे बात समझे तो ये मेरा फाइनल आंसर है एट, क्लियर है। देखो अब यहाँ पे जो है मेरा एक और प्रॉब्लम ट्रेस पे देखते हैं, कह रहा है ए प्लस टू बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और टू ए माइनस बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया है, तो कह रहा है ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी निकालिए। तो आप क्या करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम बनाने के लिए, आप सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे सॉल्व करके, है ना, और ए की वैल्यू लाएंगे, जो मैट्रिक्स ए मिलेगा उसका ट्रेस निकाल लीजिए, फिर बी की वैल्यू लाएंगे, फिर जो मैट्रिक्स बी मिलेगा उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, और तब हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए एक और सबसे आसान सा तरीका मैं बता रहा हूँ कि चुपचाप इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लीजिए, यानी कि ट्रेस ऑफ ए प्लस टू बी, इसका ट्रेस निकालने का मतलब इसका ट्रेस निकालना, और इसका ट्रेस क्या हो जाएगा बेटा, वन प्लस माइनस थ्री प्लस वन, यानी आ जाएगा आपका माइनस वन, देख रहा है ना, वन वन टू माइनस वन, और फिर उसी तरह इसका ट्रेस निकालिए, तो क्या हो जाएगा ट्रेस ऑफ टू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा बेटा, टू प्लस माइनस वन प्लस टू, क्या हो जाएगा थ्री आ जाएगा, यही आएगा ना, देख रहा है ना, टू टू फोर आ जाएगा, माइनस वन थ्री। अब हम एक काम करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख दूँ क्या, या रहने दो, मैंने बोला था ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ टू बी, इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बराबर माइनस वन, क्लियर है ना, क्योंकि मैंने बोला था दो मैट्रिक्स का, अगर एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, दो मैट्रिक्स का सम दिया रहा है ट्रेस में, तो हम अलग अलग ट्रेस लिख सकते हैं। फिर देखा जाए तो ऐसा ये दिख रहा है, ट्रेस ऑफ ए प्लस टू टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू माइनस वन, दिख रहा है आपको, यहाँ से कॉन्स्टेंट जो रहता है वो बाहर निकाल लेते हैं, ये भी प्रॉपर्टी, सारा प्रॉपर्टी अब यूज कर ले रहे हैं, और यहाँ अगर देखें तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिखो तो टू ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू थ्री। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए तो हम क्यों ना इसी में टू से मल्टीप्लाई कर ले अपने से, तो फोर ट्रेस ऑफ ए माइनस टू ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू सिक्स हो गया ना, ये हमारा इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, वन और टू को जरा ऐड कर दीजिए, वन और टू को ऐड कर देते हैं, तो ये देखो टू टी आर बी और टू टी आर बी कट गया, मतलब टू ट्रेस ऑफ बी कट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, फोर और ये वन, फाइव ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू सिक्स माइनस वन यानी कि फाइव हो जाएगा, तो ट्रेस ऑफ ए कितना मिल गया, वन मिल गया, क्लियर है बेटा। और जब ट्रेस ऑफ ए वन मिल गया तो यहाँ वन रख देंगे, तो ये वन उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, इसका मतलब कि ट्रेस ऑफ बी जो होगा वो माइनस टू बाई टू बोले तो माइनस वन हो जाएगा, तो क्या मिल गया, ट्रेस ऑफ ए वन माइनस इसका माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, आंसर इसका टू हो जाएगा, क्लियर है। अब हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है एंड दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज लेक्चर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा और आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल चुका होगा। कह रहा है ए बी सी मैट्रिक्स दिया है, कह रहा है फाइंड द ट्रेस ऑफ ए प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस थ्री टाइम्स ऑफ सी। अगर इस तरह का प्रॉब्लम मिले तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ी बात आप क्या करेंगे, सबसे पहले बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद सी में थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को फिर बी का ट्रांसपोज के साथ और थ्री सी के साथ ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो नया वाला मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का फिर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट या लीडिंग डायगोनल का या मेन डायगोनल जो कहिए उसका आप एलिमेंट को सम करेंगे और तब जा करके इसका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन वैसे नहीं करना है, प्रॉपर्टीज इसलिए पढ़ाई जाती है ना कि प्रॉपर्टीज को यूज करके हम बड़े से बड़े सवाल को छोटे तरह से बना सके, ठीक है। जैसे देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी का ट्रांसपोज प्लस ट्रेस ऑफ थ्री सी लिख सकता हूं, अभी प्रॉपर्टी के हिसाब से पढ़ाया। अब इसको देखेंगे, ट्रेस ऑफ ए प्लस किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रहे उसका ट्रेस निकालें या सिंपल उसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालें, बात एक ही रहेगी, ये बता के गया मैं प्रॉपर्टी में,
ठीक है, और यहाँ थ्री टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ सी कर दे, बस बात खत्म। ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा, यानी ये ए का ट्रेस देख लीजिए कितना है, 3 1 1 यानी 5 हो जाएगा ऐड करने के बाद। ट्रेस ऑफ बी ये देख लीजिए कितना हो जाएगा, 1 1 तो खत्म हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ सी यानी सी का ट्रेस देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो 3 × 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 8 + 9 ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो हमारा ट्रेस हमारा फटाक से निकल गया, ठीक है। अब जरा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो भी IIT JEE मेन वगैरह में सवाल पूछ रहा है, अभी जो 22 जुलाई 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, 20 जुलाई 2021 की बात कर रहा हूँ, या फरवरी में या मार्च में जो भी आपको ये पेपर हो रहा है, या मैं आज की ही बात करूँ, आज भी IIT JEE मेन का पेपर है, 25 जुलाई है, आज 25 जुलाई 2021 है ये जो वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इन सब में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछ रहा है या प्रॉपर्टी बेस्ड पूछ रहा है, यानी आपके पास कैलकुलेशन थोड़ा आप कर ले बस काम हो जाएगा आपका, आगे बात समझें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि आपको नई अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हमें आप इजाजत दें, ओके, थैंक यू, जय हिंद।